केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इन प्रवासी मजदूरों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। समूचा विश्व इस समय कोविड-19 के संक्रमण से बचने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। वहीं इस देश में लागू किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में जहां प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपद तक भेजने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही हैं, वहीं इन प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में भेजने के साथ साथ उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी स्थानीय समाज सेवी बड़े ही उदारतापूर्ण ढंग से कर रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा कोसी कला के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां एक स्पेशल रेल सेवा आरंभ होते ही स्टेशन पर मौजूद प्रवासी मजदूरों की भीड़ को भोजन मुहैया कराने के लिए स्थानीय समाज सेवियों द्वारा उन्हें खाद्यान्न, भोजन, पानी, दूध, बिस्किट, केले सहित अन्य खाने पीने का सामान वितरित किया गया और उन यात्रियों को गाड़ी में बिठाकर उनके सकुशल यात्रा सम्पन्न होने की कामना की। स्थानीय समाज सेवियों की इस उदारता से प्रवासी मजदूर उनका शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। वहीं नगर की प्रमुख समाज सेवी संस्थाओं द्वारा पानी, फल, बिस्किट और उनके छोटे छोटे बच्चों को दूध इत्यादि सामान वितरित किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रियों की उचित सुरक्षा व्यवस्था की गयी। टीम पूरी जिसमें की लगभग एक दर्जन करीब लड़के लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे सुनील पांडे जी हैं, कर्ण कुमार एडवोकेट जी हैं, यश अग्रवाल हैं, इमरान जी हैं, काफी लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। आज हमने स्टेशन पे पूरी थर्मल स्कैनिंग की, सबको सैनिटाइज किया गया, पूरी सरकारी किया गया, यात्रियों किया गया, ट्रेन में जाकर सैनिटाइज किया है और हमारी जो साइडर टीम है वो लगभग लॉकडाउन से अभी तक पूरा वो कर रही है, सबकी सेवा कर रही है। आप लोगों सब कोसी के समाज सेवियों के द्वारा हमारी ये साइडर टीम चल रही है, हम बहुत आभारी हैं कोसी के शायद सहयोगियों के लिए जो हमारे साथ सहयोग कर रही है, और आभारी हैं सभी लोगों के जो हमारा सहयोग कर रहे हैं।